हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप बहुत ज्यादा मजे में हो गया आप सब। और आज आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसके आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। और क्या है इसके अंदर वो तभी बताऊंगा जब खोलूंगा इस बॉक्स को। मेरे चैनल के ऊपर इतना बड़ा बॉक्स कभी नहीं आया जिसको मैंने अनबॉक्स किया हो। तो फटाफट से खोलते हैं बॉक्स को, निकालता हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा जो प्रोडक्ट है मैंने अपने चैनल के ऊपर आज तक कभी भी रिव्यू या अनबॉक्स नहीं किया है, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बातें कम करते हैं, खोलते हैं बॉक्स को। तो यहाँ पे है हमारे पास बॉक्स, और मेरे पास है मेरी प्यारी नाइफ जिसको मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से अनबॉक्सिंग के लिए। तो बॉक्स को कट करते हैं और बॉक्स जो है वो खुल चुका है। निकालते हैं बाहर अपने सामान को। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, और अब इस वाले बॉक्स को निकाल लेते हैं। और हमारे पास है टर्बो एंड कंपनी का X7 फोल्डिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। काफी टाइम से इसको ऑर्डर किया हुआ था और फाइनली आज आ गया है मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर। हिंदी के ऊपर मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं देखी हैं किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है काफी अच्छे रेटिंग्स थे, तो मैंने सोचा यार इसी को ऑर्डर करते हैं। क्योंकि अगर आसपास जाना होता है कार लेके, कौन जाए आपके लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है या इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड जो है वो काफी ज्यादा हैंडी हो सकता है। बाकी सारे फीचर्स इसके थोड़ी ही देर में बताता हूँ, पहले इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं। और बॉक्स काफी ज्यादा बड़ा है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। तो बॉक्स मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर, और जैसे कि मैंने बताया फोल्डेबल है, तो यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। काफी ज्यादा हैवी है और काफी बड़ा बॉक्स है। एक बार अब इसको निकालते हैं बाहर, और उसके बाद बताता हूँ क्या क्या मिलता है हमें बॉक्स के अंदर जब आप लेते हो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो स्कूटर के अलावा यहाँ पे बॉक्स के अंदर हमें मिला एक प्रोडक्ट मैनुअल, और दूसरा है ये बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर देखते हैं अब क्या क्या है यहाँ पे। तो खोलते हैं बॉक्स को। यहाँ पे है आपके दो हैंडल बार्स, लेफ्ट एंड राइट, ये है राइट ये है लेफ्ट। ये लगेगा आपके स्कूटर में, इसको कुछ इस तरीके से आप पकड़ोगे। और नीचे होगा आपका बैटरी पैक। तो यहाँ पे है आपका चार्जर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे काफी अच्छा ये टच दिया हुआ है, डिजाइन जो यहाँ पे है ना, ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, ये इसकी केबल है, ये है यहाँ पे चार्जर आपके स्कूटर को चार्ज करने के लिए। और इसको चार्ज होने में लगते हैं 6 घंटे। तो सामने है हमारे पास X7 इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थी, जो यहाँ पे लेवर्स वगैरह लगाने थे, हैंडल बार लगाने थे, वो मैंने लगा लिया है। और ब्रेक वगैरह सब कुछ एकदम सेट कर दिया है। और उसके अलावा मैं एक दो बार इस पे घूम के भी आ चुका हूँ, ताकि वीडियो बनाने से पहले एकदम परफेक्ट कर लूँ सारी चीज़ें। अब आपको बताता हूँ फीचर्स और क्या क्या है इसमें खास। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, तो यहाँ पे ये जो हैंडल बार्स हैं डिटैचेबल हैं, तो अगर आप इनको कुछ इस तरीके से करते हो तो आप निकाल सकते हो। जब आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप इनको निकाल के अपने पॉकेट में रख सकते हो, बॉक्स के अंदर ही आते हैं। आपको बस कुछ इस तरीके से इनको घुमाना है और ये फिट हो जाएंगे। यहाँ पे है आपका एक्सेलरेटर, यहाँ से आप रेस दे सकते हो या एक्सेलरेट कर सकते हो अपने स्कूटर को, और एकदम नई नई वाली फील। तो इसको निकाल देते हैं यार अभी। और यहाँ पे ये जो आपको चीज दिख रही है, ये है आपकी स्क्रीन, यहाँ पे आती है स्पीड वगैरह। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पे है ऑन ऑफ वाला बटन, और इसके ऊपर ही ये वाला जो बटन है ये है फंक्शन बटन। इसकी मदद से आप मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले करते हैं इसको ऑन। ये वाला जो बटन है पावर वाला, आपको इसको दबा के रखना है, और LED जो है वो ऑन हो गई है। यहीं पे आती है आपकी स्पीड वगैरह, और अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा D, अभी रेड कलर में आ रहा है क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स मोड सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर जाता है फुल स्पीड तक ये वाला जो स्कूटर है। और अगर मैं फंक्शन बटन को दबाता हूँ तो ये चले गया, अभी ये आ गया है इकोनॉमी मोड में, यहाँ पे ज्यादा स्पीड में नहीं जाएगा। और तीसरा मोड होता है सिंपल D, और ये जो सिंपल D आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब मीडियम मोड। और अगर एक बार मैं फिर से फंक्शन की को दबाता हूँ, अभी ये रेड कलर में हो गया है, रेड का मतलब है स्पोर्ट्स मोड। और स्पोर्ट्स मोड में ये वाला जो स्कूटर है फुल स्पीड तक जाता है, 32 किलोमीटर पर आवर, या फिर 19.9 माइल्स की अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो काफी अच्छी खासी स्पीड आपको इसमें मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात कर ही रहा हूँ स्कूटर की, तो यहाँ पे है आपका हैंड ब्रेक, और यहाँ पे है आपकी बेल, अगर आप चला रहे हो कोई आ जाता है आगे, तो काफी अच्छी खासी चीज है ये जो बेल है। और अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और फिर आपको एक चीज दिखाता हूँ जो कि मुझे काफी अच्छी लगी इसमें। अब यहाँ पे जो स्कूटर है हमने इसको ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ये वाला जो बटन है आपको इसको दबाना है और कुछ इस तरीके से आपको उठा देना है, और इसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगी बैटरी। आप चाहो तो स्कूटर के अंदर से बैटरी को ना निकालो और इसी तरीके से चार्ज कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो डिटेचेबल बैटरी है इसको बस आपको कैप को घुमाना है कुछ इस तरीके से, और अंदर है आपके पास आपकी बैटरी। तो ये है आप
आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी जिसको आप चार्ज कर सकते हो, और इसका अगर मैं प्लग दिखाऊं तो यहाँ पे आपको लगा देना है आपका पावर सप्लाई, और 6 घंटे लेता है ये वाला जो स्कूटर है एक बार फुल चार्ज होने में। आपकी मर्जी है, आप जैसे भी चार्ज करना चाहो कर सकते हो, डिटैचेबल बैटरी है, आप चाहो तो बैटरी को निकाल कर चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिटैचेबल बैटरी तो दिखा दी है, बट यहाँ पे अगर आप स्कूटर के अंदर ही बैटरी लगी हुई है उसको चार्ज करना चाहते हो तो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा पोर्ट, यहाँ पे लगा देनी है आपको केबल और आपका स्कूटर हो जाएगा चार्ज। तो इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है चले गई है स्कूटर के अंदर फिर से, इसका ये जो कैप है ये लगा देता हूँ, इसी से बैटरी जो है वो टिकी रहेगी। तो इसको लॉक कर देते हैं एक बार, और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब आपको शायद वीडियो लगे क्योंकि एक हाथ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरामैन वगैरह कोई नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फोल्डेबल है, और यहाँ पे इसको किस तरीके से फोल्ड करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका स्टेम, और अगर आप इसको फोल्ड करना चाहते हो, अभी यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया हुआ है और मैंने प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया। जब आप इसको ड्राइव करोगे, जब आप ये वाला स्कूटर चलाओगे, तो ये जो चीज है आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देनी है ताकि जो आपकी लैच है वो खुले ना। बट जब आप इसको पैक करना चाहोगे तो ये जो चीज है जिसने सिक्योर किया हुआ है आपकी लैच को, सबसे पहले इसको हटा देना है, और उसके बाद हमें बस जो ये चीज है इसको इस तरीके से करना है नीचे। तो लैच को अनलॉक कर दिया है मैंने, अब अगर मैं इसको फोल्ड करना चाहता हूँ तो बहुत ही इजी सा काम है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो स्कूटर है वो हो जाएगा फोल्डेबल स्कूटर, और आपको बस कुछ इस तरीके से इसको कर देना है, और अभी सिक्योर हो चुका है आपका स्कूटर, और अभी आप लोग देख रहे हो कि स्कूटर है वो हो चुका है फोल्ड। आपको बस यहाँ से पकड़ना है और चल पड़ना है, और फोल्ड मैंने अभी किया हुआ है तो एक चीज पे मेरा ध्यान गया, वो है यहाँ पे किक स्टैंड। तो किक स्टैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा एक डिस्क ब्रेक रियर टायर के लिए, और इसका जो कंट्रोल है वो है यहाँ पे, तो अच्छा खासा कंट्रोल है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, और उसके साथ यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलेंगे। नॉर्मल व्हील नहीं है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है अलॉय व्हील आपके पिछले टायर में, तो ये अच्छी चीज है। इनका साइज है 8.5 इंच, और ये वाले जो टायर्स हैं दोनों टायर्स आपको मिलेंगे ट्यूबलेस टायर, तो पंचर होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले हमने फोल्ड किया हुआ था, तो एक बार आप फिर से इसको नॉर्मल कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो लैच है एक बार मैं फिर से लगा के दिखा देता हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको दिखाया नहीं था। आपको इस चीज को कर देना है कुछ इस तरीके से लॉक, और यहाँ पे अब ये जो चीज है हो गई है फिक्स। अब ये जो स्टेम है आपका बिल्कुल नहीं हिलने वाला, जो आपका हैंडल है वो एकदम ऐसे ही रहेगा, एकदम स्टर्डी। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे की साइड जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खड़े होते हो, तो ये आपको यहाँ पे काफी शूज के मार्क्स दिख रहे होंगे क्योंकि 2-3 बारी मैंने इसको चला लिया है अनबॉक्सिंग के बाद, ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं कि कैसा है एक्सपीरियंस। और यहाँ पे है रियर टायर के लिए ब्रेक, जब आप राइड कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से दबा देना है और ब्रेक लग जाएगा। ये वाला जो स्कूटर है इसका जो फ्रेम है वो बना है अलूमिनियम अलॉय से, तो काफी ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल है आपका स्कूटर। और यहाँ पे आपको फ्रंट में लाइट भी मिल जाएगी, बैक और फ्रंट दोनों ही जगह पे आपको लाइट मिल जाएगी। और अगर आप ये वाली हेडलाइट को ऑन करना चाहते हो तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, उसके लिए पहले इसको ऑन करना पड़ेगा स्कूटर को। और ये जो फंक्शन वाला बटन है, अगर मैं इसको 2 बारी दबाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो फिर से फंक्शन बटन को 2 बार दबाना है। और हेडलाइट आपने देख ली है, आप बात करते हैं इसकी क्वालिटी की ही, जैसे मैं पहले बता रहा था आप यहाँ पे देख सकते हो टायर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छे टायर्स हैं, ये कोई ऐसे नहीं रद्दी सी चीज़ आपको दे दी है, बहुत ही स्ट्रांग फील है। और टायर्स भी जो हैं ये सेम टायर हैं जैसे आपको कार्स में मिलते हैं, तो कोई भी चीप मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। काफी ज्यादा हैवी है आपका स्कूटर, बिल्कुल भी हल्का फुल्का नहीं है। और अब लेके जाता हूँ इसको बाहर और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको चला सकते हो। इसको राइड करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, कैसे ऑन करना है ये मैं पहले ही आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, बस आपको यहाँ से ऑन करना है, उसके बाद स्टैंड हटाओ, एक पैर आपको इसके ऊपर रखना है, हल्का सा आपको इसको पुश करना है, और उसके बाद अपने आप जो आपका स्कूटर है चलने लग जाएगा। आपको बस यहाँ से एक्सेलरेट करना है, ब्रेकिंग वगैरह मैं ऑलरेडी सब कुछ दिखा चुका हूँ, तो काफी ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा स्मूथ राइड आपको मिलती है यहाँ पे टर्बो एंड के X7 इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। और ये वाला पार्ट जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये मैं शूट कर रहा हूँ 8th of November को, जो अनबॉक्सिंग और इससे पहले वाला पार्ट आपने देखा ये मैंने शूट किया था 17th of October को। पहले मैं फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो बनाना चाहता था, फिर मैंने सोचा यार अगर बना ही रहा हूँ तो अच्छे से बनाऊं, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है और अभी ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, काफी अच्छी अच्छी डील्स हैं,
और ऐसे ही एक डील मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसके बारे में वीडियो के एंड में अभी हम लोग बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसको पावर क्या देता है। इसको पावर देता है 350 वॉट की मोटर जो कि आपको मिलेगी फ्रंट टायर में। 350 वॉट की मोटर है, बहुत ही स्ट्रांग मोटर है और यहाँ पे तीन मोड्स आपको मिलते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। ये लोग गियर बोलते हैं तीनों ही मोड्स को, तो पहले मैं दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको मोड स्विच करने हैं, बट कौन कौन से मोड्स हैं वो बता देता हूँ। सबसे ऊपर जो यहाँ पे इनका हाई स्पीड गियर है वहां पे आपको जो स्पीड है वो मिलती है 32 किलोमीटर, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज में किलोमीटर चलता है, हमारे यहाँ पे चलता है माइल्स। अगर माइल्स की बात करूँ तो 20 माइल्स की स्पीड है इसकी टॉप स्पीड। और यहाँ पे जो रेंज आपको मिलती है, एक बार जब आपने फुल चार्ज कर लिया इस वाले स्कूटर को तो आपको रेंज मिलेगी 25 किलोमीटर की या 16 माइल्स की, तो अच्छी खासी रेंज है यार। अगर आप अपने साथ कार के अंदर कैरी कर रहे हो, बीच वगैरह पे घूम रहे हो या घर से आपको सिर्फ थोड़ा इधर उधर जाना है तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट चीज है। मैं एक महीने से खुद इसको डेली यूज कर रहा हूँ और मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे रेंट करना पड़ता था स्कूटर, चाहे ऊबर का हो लाइम कंपनी का हो, तो काफी ज्यादा खर्चा हो जाता था और काफी टाइम से लेने का सोच रहा था। तो ये वाला जो स्कूटर है काफी अच्छे टाइम पे मैंने ले लिया है। और अब अगर मैं मोड्स की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे हाई स्पीड के बारे में बताया, उसके अलावा यहाँ पे जो इनका सबसे छोटा मोड है जिसको ये लोग बोलते हैं स्लोप या फिर क्लाइंबिंग गियर, इसके अंदर आपको जो टॉप स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 7.5 माइल्स पर आर की, जो कि होगी किलोमीटर्स में 12 किलोमीटर, तो अच्छी खासी स्पीड है। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो अभी तक मैं लाइम वगैरह के स्कूटर चलाता था तो यहाँ पे जब आपको क्लाइंब करना होता था या जब आपको नीचे जाना होता था तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और स्पेशली जब आपको क्लाइंब करना होता था अपने स्कूटर के साथ तो वहां पे जो आपका स्कूटर है आपको उसे उतर के आपको पुश करना पड़ता था। बट यहाँ पे इस वाले स्कूटर के साथ ये चीज नहीं है, आपको बस फर्स्ट मोड में डालना है और तो जितनी मर्जी आपको ऊपर लेके जाना हो बड़े ही मजे से चले जाता है एक बंदे के साथ। और तीसरा जो यहाँ पे मोड है वो है मीडियम गियर मोड, जिसको ये लोग बोलते हैं कि आप बस एंजॉय करो। तो या तो आप स्लोप मोड में चलाओगे या आप चलाओगे हाई में, मीडियम में मुझे नहीं लगता कोई भी चलाएगा इसको। अब अगर इन सब चीजों की बात कर ही रहा हूं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की और पेलोड की। तो यहाँ पे इसकी जो बैटरी है वो चार्ज होने में लेती है 6 आवर्स। आप डिटैच करके भी इसको चार्ज कर सकते हो या इसके अंदर ही आपको पोर्ट मिलता है, वहां पे बस आपको जो चार्जिंग केबल है वो लगा देनी है, हो जाएगा चार्ज। मैक्सिमम पेलोड जो है वो है 275 पाउंड्स यानी कि 125 किलो। तो अगर आपका वेट इससे कम है तो आप इसको बड़े ही मजे से यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर आपका वेट है तो आपको एडवाइस नहीं करती है ये कंपनी कि आप ये वाले स्कूटर को यूज करो। और मोड्स वगैरह की बात कर रहा हूँ तो जैसे हमें कार्स वगैरह में मिलता है क्रूज कंट्रोल, तो यहाँ पे भी क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल क्या होता है जिनको नहीं पता, आपको बस एक स्पीड सेट करनी है, उसके बाद एक्सेलरेटर से आपको आपका हाथ हटा लेना है और उसी स्पीड पे आपका स्कूटर चलता जाएगा। जब भी आपको कंट्रोल लेना है तो आप या तो फ्रंट ब्रेक या रियर ब्रेक को दबा दो और कंट्रोल फिर से आपके हाथ में आ जाएगा। क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 6 सेकंड्स तक एक ही स्पीड के ऊपर आपको ड्राइव करना है और आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 12 किलोमीटर से ज्यादा। तो अगर आपकी स्पीड इस लिमिट से ज्यादा है 12 किलोमीटर पर आवर से और आपने 6 सेकंड्स तक एक ही स्पीड पर रखा हुआ है तो क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। उसके बाद आपका जो हाथ है आपको एक्सेलरेटर से हटा लेना है और बड़े ही मजे से आपका स्कूटर चलेगा। और ये तो सारी फीचर्स की बात होगी, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सबसे मेन चीज की, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो मेरे लिए होती है वो होगी यहाँ पे क्वालिटी। तो क्वालिटी इस वाले स्कूटर की बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पे जो इसकी बॉडी है वो बनी है अल्यूमिनियम अलॉय से, तो बहुत ही स्ट्रांग ये वाला स्कूटर है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस टायर है, जिस दिन से मेरे पास आया है उसी दिन मैंने यहाँ पे इसमें हवा भरी थी और अभी तक बड़े ही मजे से स्कूटर के जो टायर्स हैं उनमें हवा है। तो ऑलमोस्ट 10 दिन काम है, एक महीना होने से, तो 20 दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और मैं आप सबको सजेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप लेना चाहते हो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ये वाला जो स्कूटर है आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। क्यों, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। ये वाला जो स्कूटर है पहले आउट ऑफ स्टॉक था, बट अभी 12 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक टर्बो एंड की साइट पे चल रहा है एक इवेंट जहां पे ये वाला स्कूटर आपको मिलेगा $399 का। तो 399 में ये वाला जो स्कूटर है बेस्ट डील है। अगर लेने का सोच रहे हो तो ज्यादा मत सोचो और ले लो ये वाला स्कूटर, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। और अगर आप ये वाला स्कूटर बाय करते हो तो आप में से किसी एक लकी विनर को मिल सकता है DJI Osmo पॉकेट कैमरा बिल्कुल फ्री। किस तरीके से, अगर आप वो सब जानना चाहते हो तो नीचे है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस लिंक पर जाके सब कुछ चेक कर सकते हो। तो 399 है इसका प्राइस आज के टाइम पे। यूजुअली ये वाला जो स्कूटर है वो सेल होता है 599 का, मैंने ये वाला स्कूटर लिया 499 का। बट अभी अगर आप लेना चाहते हो 12 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आपको पड़ेगा $399 का। तो अभी राइट टाइम है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का, 399 में आपको मिल रहा है और ब्लैक फ्राइडे सेल भी आ रही है। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं इस टाइम पे लेने का सोच रहे हैं तो ये वाला स्कूटर आपके लिए बेस्ट बक हो सकता है, क्योंकि मैं पर्सनली खुद इसको यूज कर रहा हूँ
और इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज आती ही रहती हैं स्कूटर को लेकर। आप लोग मुझे बताओ कैसा लगा आपको टर्बो एंड कंपनी का X7 इलेक्ट्रिक स्कूटर। आई होप आपको ये वाला जो स्कूटर है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वाली वीडियो या ये वाला स्कूटर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि ये कितना कमाल का स्कूटर बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टेक प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लेके आता रहूंगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से कह रहा हूँ प्लीज कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि जैसी आए मेरी नई वीडियो आप तक आ जाए उसकी नोटिफिकेशन। और अब इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ खत्म। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।